छोटा सा बेटा है, क्योंकि आप सबका बढ़ाने आ रही है हौसला। मुझे तीन शब्द याद आ रहे हैं आपको देखकर, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो तालियां होनी चाहिए दिव्या मैम के लिए। ये आज की शाम यानी कि गरबा नाइट में मैम ने यहाँ पे आकर चार चार लगाए। यस 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 मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत सारी यहाँ पे लोग यहाँ पे पधारे हैं आज की इस गरबा नाइट में जी, तो दो शब्द उनके लिए आज की शाम के लिए जी। मैं कैसा खाए थाने, मैं बहुत बहुत खुश फील कर रही हूँ आप सबके बीच यहाँ पर आके, एंड आई थिंक वी शुड ऑल डांस टुगेदर, वी शुड ऑल डू गरबा टुगेदर, एंड थैंक यू प्रबोध जी फॉर इनवाइटिंग मी। पीछे हम भी हैं। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर मैम। थैंक यू, थैंक यू। यू हैव जस्ट कम एंड एनलाइटन द होल एटमॉस्फेयर एंड एवरीबॉडी इज जस्ट ग्लिटरिंग जस्ट लाइक यू। यू कैन सी द स्माइल ऑन माय फेस। हैप्पी टू मीट यू ऑल। ओह, वी आर आल्सो हैप्पी, राइट? सो फॉर आवाज हो जाए। इनफैक्ट मैम, हम सब रहा देख रहे हैं कि कब आप आएंगी और कब हमारे साथ थोड़ा थोड़ा गरबा हो जाए, एंड सो दैट इस माहौल में और रौनक आ जाए, राइट? यस, डीजे वाले बाबू। लेकिन हमारे और एक, यस यस, पहले हम ऑर्फन के हमारे सारे बच्चे हैं उनको हम परिचित करेंगे, एंड प्रभु सर एंड दिव्या मैम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे हमारे आज के ऑर्फन के जो बच्चे हैं, विवेकानंद बाल आश्रम के सारे बच्चे हैं, तो जस्ट फॉर किड्स उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दिव्या मैम से तो थोड़ा सा हम यहां पे, यस, मुझे लगता है ये माहौल बहुत ही एनर्जेटिक हो रहा है, तो मैम मुझे रुकना नहीं है, ये स्माइल आपकी देखते देखते हमें बहुत एनर्जी आ रही है, तो मैम के साथ गरबा हो जाए। लेकिन बच्चों के साथ ये है टाइट ऑफ पीस। बच्चे कहाँ है, बच्चे, चलो बच्चों को हम बुलाते हैं। एंड और सबके दिलों की धड़कन यहाँ मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान की शान आन बान और हिंदुस्तानी भाव यहाँ पे बना रहे हैं। जोरदार तालियां। Thank you.
आज पूरा गरबा नाइट ये माहौल इतना गर्म हो चुका है सारी एनर्जी के साथ. यस बहुत पीपल एंड भाऊ यहाँ पे बना रहे हैं सोना दलिया के लिए, हिंदुस्तानी भाऊ के लिए. भाऊ 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 यस जी जी भाऊ भाऊ कसा आहात तुम्ही भाऊ कसे आहात. यस मजे पण भाऊ आपण इथेच बोलूया की कार मध्ये जाऊन बोलूया कारण आम्हाला सवय नाहीये. यस 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 सॉरी. सो सर मला ऐकून घ्यायचंय तुमच्याकडून आजच्या ह्या सुंदर अशा सरांनी हे खूप सुंदर असं आयोजन केलंय प्रभू सरांनी आणि एवढी वर्षी ही वाटचाल सुरू आहे आणि आजच्या ह्या सुंदर दिवसाबद्दल आजच्या नवरात्रीबद्दल काय सांगा. रुको जरा सबर करो बोलाना धक्का बुक्की नहीं करने का. आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. ऊपर वाला आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे. आपके जिंदगी में जितने भी पनवती लोग हैं बाबू सोना चाचा चाची जितने भी वो माता रानी सबको पहली फुर्सत में लेके जा रहे क्योंकि पनवती लोग जाना बहुत जरूरी है. हाँ क्योंकि जब तक ना क्या है आधे लोगों की जिंदगी इसमें बर्बाद हो गई कि लोग क्या कहेंगे. लोगों का क्या है कुछ नहीं. जब तक तुम्हारी चलती है ना तब तक साथ में. थोड़ा भी 19-20 हो गया तुम कौन मैं कौन कोई नहीं जानता है समझा. और क्या है थोड़ा कड़वा बोलता हूं मैं बहुत जिनको बुरा भी लगता है और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है. जो है वो है ना जो है वो है. बोलना सीखो. अगर आप नहीं बोलेंगे आपके बच्चे भी नपुंसक हो जाएंगे. और खास करके मेरे जितने भी इधर बहने आए उनको बोलता है कि जो भी आपको बुरी नजर से देखता है ना उधर ही खड़ा रह के कान के नीचे देने का समझा. ये नहीं सोचने का कि बाद में क्या होएगा बाद में देखा जाएगा जो होएगा वो. और जैसा ये भाई ने बोला कि भाऊ गाड़ी में देखा आज तक. भाऊ गाड़ी में इसके लिए बैठता था कि तुम लोग को अक्कल आवे. तुम लोग को एक मैसेज देता था. वो मजाक नहीं करता था मैं. जो मेरे देश के खिलाफ बोलेगा जो मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा उसके पिछवाड़े में झाड़ू डाल के मोर बनाएगा. मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ऐसा है क्या है मतलब इतना अच्छा माहौल चल रहा है उधर फिर मैं अंदर का भाव निकालो अच्छा नहीं लगेगा ना. हाँ क्या है गलत का विरोध खुलकर कीजिए चाहे फिर वो राजनीति हो या समाज. कसं आहे की एक गरबा हा आपल्या भारताचा एक सांस्कृतिक महोत्सव आहे आणि पूर्ण देशभरामध्ये पूर्ण याच्यामध्ये आपण देशभरामध्ये वेगळ्या राज्यांमध्ये आपण तो वेगळ्या पद्धतीने साजरा करत असतो पण त्यातला गरबा हा जो फॉर्म आहे हा पूर्ण देशामध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे. आणि नायट्रोजनने आज सभासदांसाठी आणि सर्वांसाठी गरबा ऑर्गनाईज केला आहे ही मोठी गोष्ट आहे. पण महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की याच्याबरोबर अनाथाश्रमांमधल्या मुलांना देखील सहभाग करून घेतलेला आहे कारण मुलं अदरवाईज कुठं गेली असती त्यांनी कुठे गरबा खेळला असता. त्यांना देखील आज गरबा खेळायचा मौका मिळतो आहे त्यांना देखील याच्यामध्ये सहभागी व्हायचा मौका मिळतो आहे ही अतिशय मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. आणि त्यासाठी मी नायट्रोजन आणि त्यांच्या सर्व परिवाराचं अभिनंदन करू इच्छितो. तर गरबा रसिकांना काय शिकवायचं. गरबा अत्यंत उत्साहामध्ये आणि शांततेच्या वातावरणामध्ये पार पडावा. कोणालाही दुसऱ्याला आपण इजा पोचू नये कुठल्याही अर्थाने शाब्दिक शारीरिक अर्थाने इजा पोचू नये आणि शांततेने आणि उत्साहाने हा साजरा करावा. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड स्पेशली जो बच्चे हैं जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए ना इट्स वेरी नाइस बिकॉज उनके साथ भी ये नवरात्रि सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है. और नाइट्रोजन जिन प्रमोद ने जो पूरा आयोजन किया है बहुत ही अच्छा है. सब लोगों के चेहरे इतने महके हुए हैं. बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आई. मैं लोखंड
वाला रहती हूँ, मुझे लग रहा था बहुत ट्रैफिक मिलेगा जल्दी, काफ़ी जल्दी पहुँच गई, आज संडे था, तो बस अब यही है कि हम यहाँ सबके साथ गरबा खेलें और नवरात्रि का इंजॉय करें। आपने कभी खेला बचपन में, याद है आपकी वो? मुझे पिछले साल याद है, एक्चुअली मैं अहमदाबाद में थी और मैंने 5 या 6 वहाँ पे विजिट किए थे गरबा, तो बहुत मज़ा आया था पिछले साल। बचपन में तो नहीं खेलते थे, बट कंजके जब होती थी तो तब कंजक बन के सबके घर पहुँच जाते थे हलवा पूड़ी खाने, तो कॉलोनी में सबका चक्कर लगाते थे सभी घरों का, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता था। प्रभु डोकरे साहब और उनकी टीम को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि हम आज तक गैरों के साथ अमीरों के साथ खूब अपना त्यौहार मनाते, अनाथ जिनका कोई नहीं है उनके साथ एक त्यौहार मनाने का वो दिल बड़ा होना चाहिए, समझा? तो ऐसे लोगों के लिए आना अच्छा लगता है मेरे को। आप लोगों को तो पता है ना कि कहाँ पहुँचता हूँ मैं, पैसे वालों के पास नहीं जाता है मैं, जो ऐसे काम करते हैं उनके पास बाबू पहुँचता है और उनको पूरा सपोर्ट करता है। प्रभु जी आप हर साल ये गरबा करते हैं, इस साल दिव्या जी को बुलाए, आपको कैसा लगा, क्यों दिव्या जी को बुलाए और इनकी अच्छी वेब सीरीज बहुत सुपर हिट चल रही है, उसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, पिक्चर इनकी फिल्म तो ऑलरेडी हिट है एंड मैं माँ दुर्गा को यही प्रे करूँगा कि आने वाला साल दिव्या जी का हो एंड मुझे पूरा यकीन है कि आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर विल बी बिगर फॉर हर कम्पेयर टू इवन दिस ईयर। एंड उनकी फिल्म ऑलरेडी आई थिंक सो नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 में चल रही है एंड आई एम वेरी श्योर इन द नेक्स्ट ईयर वो टॉप 1 पे ही रहेंगी। दिवेश आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे? जी जी, तो मैं साउथ की पिक्चर शूट कर रही हूँ, हीरो हीरोइन, जो कि तेलुगु फिल्म है। इसके अलावा बॉलीवुड में भी एक फिल्म शूट कर रही हूँ, बट क्योंकि अनाउंस नहीं हुई है तो बोल नहीं पाऊँ। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नहीं जाएगा मैं, क्यों दादा? बॉलीवुड में, क्योंकि आप लोगों को पता है ना बॉलीवुड में कैसा चल रहा है। हाँ, और बॉलीवुड में बड़े से बड़े जितने भी है उनकी भजा के रखा है मैं, उनके पिक्चर नहीं लगने देता हूँ मैं। जो अच्छा करेगा उसके साथ बहू जिंदगी भर करेगा, वो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो अच्छा करते हैं, अच्छा पिक्चर बनाते हैं, उनको सपोर्ट है मैं। जहाँ पे मेरे कल्चर, मेरे धर्म, मेरे सनातन धर्म का अगर किसी ने गलत बॉलीवुड में बताने की कोशिश की, या मेरे जैसे कि आपको पता रहेगा कि वो यूनिफॉर्म का अपमान करने वाले, पता है ना आपको, जिन्होंने अपमान किया था मेरे आर्मी के यूनिफॉर्म का, पुलिस के यूनिफॉर्म का, उनकी बहनें कैसे बजा के रखी है अभी तक, गायब किया ना इंडस्ट्री से, तो ऐसे ही गायब करूँगा। जो गलत करेगा उसको ऐसे ही गायब करूँगा, उसके पिक्चर चलने नहीं दूंगा। कुछ है और आपको, अगर मराठी फिल्म में कोई किसी ने शिवाजी महाराज का रोल दिया तो आप करेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, वो दैवत है, दैवत हमारे, उनके तो उनके पास यानी उनके आंसर हाँ, क्योंकि उनके वो तो हाँ ही हो सकता है, हमारा दैवत भगवान से बढ़कर हम पहले उनको पूछते हैं, क्योंकि उनके वजह से हमारे सारे मंदिर भगवान उनके वजह से आज है, वरना तो कहाँ रहते पता भी नहीं चलता। बाकी ये एक्टिंग विक्टिंग का शौक नहीं है मेरे को, मेरी असलियत मैं सीधी बात नो बकवास वाला आदमी है, हाँ ऐसे तो सीधा बोलता हूँ मैं, मेरे को घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं होती ना। आज बेहद खास है बिकॉज मेरा पहला प्यार जो नवरात्रि है, नोन एज द डांडिया गरबा क्वीन, और ये खूबसूरत सा एसोसिएशन है, मैं हमेशा से एसोसिएटेड रही हूँ विद नाइट्रो, वी स्पोक फिटनेस और राइट फ्रॉम द अनवीलिंग। लेकिन बहुत खास बात है कि मैंने उनके पापा के साथ भी काम की है जिनके नाम पे वसंत दाव खरे फाउंडेशन है। सो प्रभो थैंक यू सो मच, नवरात्रि मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं आज ही दुबई से ऑफकोर्स आई हूँ नवरात्रि के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस खूबसूरत कार्य के लिए, क्योंकि प्रभो जब भी कोई भी इवेंट रखते हैं, चाहे वो जिम के लिए हो या किसी के लिए भी हो, हमेशा पहले सोचते हैं कि किसी न किसी कॉज का हम
यू नो हम किसी न किसी को हेल्प कर सकें, मदद कर सकें. एंड आई थिंक ये उन्होंने सीखा है उनके मम्मी डैडी से. और जब भी हम वसंत सर के साथ भी होते थे ना, वो हमेशा बोलते थे हम किसी की मदद किस तरह करें. और अब तो नवरात्रि के ये शुभ दिन हैं, हम सबको सेवा करनी चाहिए. कहते हैं ना, सेवा तन मन और धन से की जाती है. लेकिन वसंत दावकरे साहब सर हमेशा तन मन और धन और आत्मा के साथ सेवा करते थे, और ये मैंने उनसे सीखा है. सो प्रभु थैंक यू सो मच. और ये जो खूबसूरत सा मंच मिला है सर, ऑनरेबल सर, पहले तो शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप आए हैं. आई नो आप तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप आए हैं. एंड ऑफकोर्स हिंदुस्तानी भाव ने आज मुझे नहीं पहचाना. आप सब जानते हैं कि हमने इतने शोज किए साथ में, बट मैं वैसे होस्ट करती हूँ और इस अवतार में बहुत कम लोग मुझे पहचानते हैं, बट दैट्स फाइन. लेकिन मैं यू नो आपसे कहना चाहूँगी कि आपके तो सारे फैंस हैं ही, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी. और बहुत ही स्पेशल बात है कि आपकी मुस्कुराहट जो होती है ना, सबके दिल को और रूह को छू जाती है. और दिव्या मैम के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कहना है. दिव्या, आपको पता है हम आपसे प्यार करते हैं, तो दिव्या मैम के बारे में ये कहना चाहूँगी कि लगातार 3 हफ्तों तक उनकी वेब सीरीज सावी ट्रेंडिंग नंबर 1 रही. The Savi, yeah, it's a film. which has been completely phenomenal. और मैंने खुद आई थिंक द लेडी प्रोटैगोनिस्ट को ऐसा कोई रोल मिले, किरदार मिले, वे शी सपोर्टिंग द हस्बैंड एंड यू नो ट्राइंग प्लान बना के उनको निकाल रही है यू नो फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, इज आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी. सो ये फिल्म हैज़ गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड और आई थिंक फॉर 3 वीक्स इट वॉज ट्रेंडिंग ऑल्सो ऑन OTT. एंड एट द सेम टाइम सबसे बेस्ट है गाइस, प्लीज़ इनसे कहिए क्योंकि इनका जो खूबसूरत सा गाना है याद पिया की आने लगी वॉज ऑल्सो मोर देन 200+ मिलियन व्यूज एट दैट टाइम जब हमने बात की थी, विच इज़ इनकी गरबा का खूबसूरत सॉन्ग है. सो थैंक यू सो मच. एंड आप इतनी खूबसूरत दिखती हैं खेलते हुए, एंड स्पेशली याद पिया की आने लगी, एंड जब इतनी खूबसूरत दिव्या मैम उसमें है, सो इट्स वेरी वेरी फिनोमिनल. सो प्रभु कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने आज इन बच्चों को इनवाइट किया है जिनके साथ हम रमने वाले हैं रास गरबा इन खूबसूरत दिनों में. शुक्रिया ज्ञानेश्वर सर. एंड सबके लिए एक छोटा सवाल है, फिटनेस के बारे में आप क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन के साथ आप जुड़े हैं, आप सब इतने फिट एंड फाइन हैं, तो एक छोटा सा आप सबके तरफ से हमारे लिए एक मैसेज. मेरा 97 kg था, समझा? किसी ने मुझे मजाक में बोल दिया था क्या पेट लेके घूम रहे हैं. वो एक ना जिंदगी में आपको ठोकर मिलना बहुत ज़रूरी होती है, वो मुझे ठोकर मिली थी उसमें, तब पता चला कि वो फिटनेस का वैल्यू क्या होता है. 97 से सीधा 74 कर दिया मैंने, और पता चला कि अपन जो बाहर के, पहला तो बच्चों को बोलूँगा बाहर का जो जंक फूड खाते हैं ना वो बंद करिए, उसके वजह से आप कभी स्वस्थ नहीं रहेगा. जितना घर का जितना खा सके ना पौष्टिक वो खाओ, सब्जियाँ खाओ वो ठीक है, बाहर का ये बर्गर बिर्गर खा के ना तुम भी बर्गर हो जाएगा ना, ऐसा है, कभी भी फट सकते हैं तुम लोग. हाँ फिटनेस ये तो आज के युग के लिए बहुत जरूरी बात है, वतन की हो या मन की हो. और जब आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो आप समाज के लिए अच्छा काम कर सकोगे. और हमारी यही कोशिश जारी रहती है कि हमारे पुलिस फोर्स के जो सभी जवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहे और सोसाइटी के लिए अपना 100% योगदान दें. सोसाइटी को भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये फिटनेस ड्राइव में ज़रूर शामिल होना, आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है. आप तन मन से आप अगर फिट रहोगे तो पूरी सोसाइटी समाज वो भी फिट रहेगा और अपना देश भी फिट रहेगा, और उससे निश्चित ही अपने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और खुद की सिक्योरिटी के लिए भी इसका ज़रूर फायदा होगा. मैं एक्चुअली जिमिंग करती हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ बचपन से ही, तो शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाती हूँ, घर का खाती हूँ मोस्टली, दाल रोटी सब्जी चावल ये मुझे अच्छे लगते हैं घर का खाना. बाकी आई थिंक जैसे वो बोल रहे थे बर्गर नहीं खाओ, ये सब मैं नहीं खाती, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह जंक फूड नहीं खाती. और कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार वर्कआउट करूँ, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा करने से भी यू नो इट्स आई फील इट्स नॉट गुड, तो उतना ही करना चाहिए जितना कि आपकी मसल रिकवरी को भी टाइम मिले. रोजी, जब आपने शुरू किया था ये फिटनेस, उस टाइम पर शायद फिटनेस के बारे में कोई इतना ध्यान नहीं देता होगा, क्या आपको कुछ सपोर्ट मिला फैमिली से, फ्रेंड से? क्योंकि आज फिटनेस का मंत्र चल रहा है. नहीं,
एक इसी दर्द थी कि ये मेरे दिमाग में तब आया था व्हेन मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहा था, मेरे एमबीए कर रहा था, तब वहाँ पे जो लेवल के जिम्स हुआ करते थे और जो वहाँ पे अवेयरनेस थी फिटनेस के बारे में वो मैंने इंडिया में नहीं देखी है, एंड स्पेशली हमारा जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी थाना में. तो तब मैंने सोचा, तब मैंने एक इंटरनेशनल ब्रांड यहाँ पे लेके आया था जो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ब्रांड एम्बेसडर थे, एंड फिर उसकी ओपनिंग तब की थी सलमान भाई ने, ये जिम की भी ओपनिंग की सलमान भाई ने और उसकी भी की थी सलमान भाई ने. तब सलमान भाई ने बोला था कि इंस्टेड ऑफ